अंबना कि हम मुद्दे लेकर आते हैं, किस तरह के मुद्दे लेकर आते हैं, राजनीतिक मुद्दा बनाते हैं हम राम मंदिर को, लेकिन अब इस सरकार को समझ जाना चाहिए। मैं माननीय मोदी जी से ये कहना चाहती हूँ कि अब समझ जाए, मेरा देश का युवा जा गया है, मेरी देश की बहने जा गई है, बहुजन जा गया है। हम जान चुके हैं कि लोकतंत्र का गला घोट दिया गया है। आज हम लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, लेकिन लोकतंत्र किसके लिए है? लोकतंत्र तो पूंजीवादी लोगों के लिए रह गया है। आज लोकतंत्र खत्म हो गया है, बाहर मीडिया बिक चुका है, हमारे समाज की कोई बात नहीं करता, यहाँ कोई समानता की बात नहीं करता, यहाँ कोई न्याय की बात नहीं करता, यहाँ कोई बंधुत्व की बात नहीं करता, यहाँ बात करते हैं राम मंदिर की। मंदिर बनाते हैं, जब तुम इकट्ठे करके लोगों को राम मंदिर बनाने के लिए ले जाते हो तो उनको ये भी समझा दो कि वहां पर बैठ के तुम्हें भीख मांगनी होगी, क्योंकि तुम लोगों को शिक्षित नहीं करते, तुम लोगों को एजुकेट नहीं करते, तुम लोगों को चिकित्सा नहीं करते, तुम लोगों को रोजगार नहीं देते। अब वक्त आ गया है कि कुछ दिनों बाद हम निकल चुके हैं कि शासन हमारा होगा और हम इस देश के शासक होंगे। बाबा साहब ने कहा था कि घर की दीवारों पे लिख दो कि तुम इस देश के शासक होगे, लेकिन यहाँ मैं पूछना चाहती हूँ कितने लोगों ने अपने घर की दीवारों पर लिखा है कि हम इस देश के शासक होंगे। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, मैं जब सुबह उठती हूँ तो मैंने अपने कमरे की दीवार पर लिखा है कि मैं इस देश की शासक होगी, मेरा देश का मूल निवासी इस देश का शासक होगा, और इस कार्य को करने के लिए चाहे मेरी जान चली जाए मैं पूरा करके रहूंगी। यहाँ लोग मंच पे चढ़ते हैं और चढ़ने के तुरंत बाद कहते हैं कि भैया हमें तो राजनीति नहीं करनी। अरे भाई क्यों नहीं करनी राजनीति है? तुम खुद तो डरे हुए हो ही, लोगों को भी डराते हो, तो मेरे सभी भाई बहनों को भी डराते हो, क्यों नहीं करेंगे हम राजनीति? हम इस देश के शासक हैं, बाबा साहब हमारे हैं, सम्राट अशोक हमारा था, इस देश की जनसंख्या हमारी है। तो हमें इन लोगों से पूछना चाहती हूँ कि हम इस देश के शासक क्यों नहीं, क्यों नहीं करेंगे हम राजनीति? हम इस देश में राजनीति करेंगे और राजनीति करने के लिए हर संभव प्रयत्न करेंगे, हम संवैधानिक तरीके से जाएंगे, लेकिन अपने लोगों को जाकर जगाएंगे, लोगों को बताएंगे कि उठो देखो जागो, अब समय आ गया है। मेरे भाई बहनों अब सोने का वक्त बिल्कुल नहीं है, अगर तुम अभी नहीं जागे, अभी आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया तो कहां से कहां पहुंच जाओगे। उस दिन को भारत स्वतंत्र हुआ था उससे पहले हमारी कितनी बुरी तरह स्थिति थी, हम किस स्थिति में रहते थे। आज के जो बहुजन लोग हैं उन्हें शूद्र कहा जाता था, शूद्र को और महिलाओं को ना तो वोट का अधिकार था और ना ही शिक्षा का अधिकार था। ये वोट का अधिकार और शिक्षा का अधिकार कहाँ से आया, इसे कभी हमने सोचा है? नहीं, हम कभी नहीं सोचते। हम जाकर इस वोट का दुरुपयोग कराते हैं, हमने कभी इसका सदुपयोग किया ही नहीं और तानाशाही सरकार को बनाते हैं। लेकिन मेरे भाइयों बहनों सोचो, इस वोट के अधिकार को लाने के लिए, हमें एजुकेट करने के लिए बाबा साहब ने अपने चार चार बच्चे खोए, अपना परिवार खोया, अपनी सुख सुविधाएं खोई, तब कहीं जाके हमें ये वोट का राइट मिला। और हम उसको ऐसे ही समझ लेते हैं, कोई भी आके हमें बताया जाता है कि हमें वोट दो, हमें ये तुम हमसे नोट दो। लेकिन मेरे भाइयों, मैं समाज से अपने भाई बहनों से ये अपील करती हूँ कि हमें बरगलाना नहीं है। मेरे समाज का कोई भी भाई, कोई भी बच्चा, कोई भी बेटी जो समाज का रिप्रेजेंटेटिव करती है, हम वोट उसे देंगे। मेरे समाज आगे बढ़ेगा, हम उसके लिए काम करेंगे। समाज में जो दबा कुचला पीड़ित शोषित वर्ग है, हम उसके लिए काम करेंगे। आज हम यहाँ पर खड़े होकर इतने सक्षम तो हैं कि हम कह रहे हैं, लेकिन मेरे समाज के उस वर्ग को कौन देखेगा जो आज भी इस देश की 33% जनसंख्या भूखी सोती है, उसके ऊपर कौन ध्यान देगा? आज भी 77% जनसंख्या
यहाँ पर मेरी जितनी माताएं बहने भाई बैठे हैं, मैं उसे